हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनीषा। स्वागत है आपका कार्डियो किचन में। आज हम बनाने जा रहे हैं खमन, जो कि हम बनाएंगे चना दाल और मूंग दाल से। इसके लिए मैंने लिया है 1 कप चना दाल और उसका 1/4 मूंग की दाल। इन दोनों को मैंने 4 घंटे पहले पानी में भिगो दिया था। ये देखिए, मैंने ऑलरेडी भिगो दिया है, ये पूरी भीग चुकी है। अपने दोनों को मैंने भिगो दिया है। अब इसको हम मिक्सी में पीस कर एक अच्छा पेस्ट इसका हम तैयार करेंगे। ये देखिए, हमने चना दाल और मूंग दाल को पीस लिया है, एकदम बारीक पेस्ट इसका तैयार हो गया है। इसमें कोई लम्स नहीं है, कोई दाल नहीं है, बिल्कुल इस तरह से ये हमें चाहिए होगा। अब हम इसमें मिलाएंगे चीनी 2 चम्मच। ये पूरा 2 चम्मच चीनी मैंने लिया है, ये पूरा हमें इसमें ऐड कर देना। नमक डालेंगे 1/2 चम्मच, ज्यादा नहीं डालना है, 1/2 चम्मच इतना। साथ में इसमें हम डालेंगे नींबू। नींबू हमें 1 से 1.5 लेना है रस। इसमें हमें लगभग 2 चम्मच चाहिए होगा, तो आप देख लीजिए, ये 2 चम्मच के आसपास मैंने नींबू लिया है इसमें। और इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। ये थोड़ा सा मिक्स करेंगे तो चीनी पूरी घुल जाएगी। जरूरी नहीं है इसको पूरा घुलना, बस 1-2 मिनट हमें इसको चलाना है। ये देखिए, बैटर हमारा रेडी है। इसमें हम मीनो मिलाएंगे, लेकिन वो सबसे लास्ट में मिलाएंगे। उससे पहले हमें एक प्लेट को ऑयल से ग्रीस करना होगा। अब हम ऐसी एक प्लेट लेंगे, उसको ऑयल से अच्छे से चारों तरफ से ग्रीस करेंगे। ये चारों तरफ से ग्रीस करना होगा हमें, क्योंकि जब खमन होगा वो चिपकेगा नहीं इससे। ये देखिए, इस तरह से हम इसको पूरा अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। अब हमें सबसे पहले एक कढ़ाई में पानी गर्म करेंगे। ये पानी अच्छे से बॉईल होना चाहिए। उसके बाद हम ऐसा एक स्टैंड लेंगे, कुछ भी आपके पास हो, कोई भी स्टैंड जिसमें आ जाए, इसके ऊपर ऐसे बीच में रखेंगे। अगर आपके पास कोई स्टैंड नहीं है तो आप कोई बाउल भी यूज कर सकते हैं। इस तरह से हम पानी को उबलने देंगे अच्छे से। अब जो हमने अपना बैटर तैयार किया था, उसमें एक पूरा पाउच हम इनो का मिलाएंगे। एक पूरा पाउच हमें मिलाना है। जब पानी बॉईल होने लगेगा उसी स्टेज पे हम इसमें इनो ऐड करेंगे। एक पूरा पाउच मैंने इसमें मिला दिया है। ये देखिए, इसमें बबल्स आना चालू हो गए हैं। ये अच्छे से बबल्स आएंगे, उसके बाद ये पूरा फूलेगा। बस इसको अच्छे से मिक्स करना है, और जो हमने ट्रे अपनी ग्रीस करी थी, जो भी प्लेट आपने ग्रीस करी है, उसमें इसको डाल देंगे। ये देखिए, अच्छे से मिक्स हो गया है हमारा। अब ये पूरे बैटर को हम इसमें डाल देंगे। थोड़ी सी जगह प्लेट में हमें छोड़नी होगी, क्योंकि ये फूलेगा भी सही। उतना ही बैटर डालेंगे जितना प्लेट में हमारा आएगा। इसको थोड़ा सा टैप करके, और जो पानी हमारा बॉईल हो रहा था उसके ऊपर ऐसे रख देंगे इसको डायरेक्ट, बस इसके ऊपर। ये रखने के बाद इसको हम कवर कर देंगे अपनी लिड से। बस इसको हम 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। मीडियम फ्लेम पे हमें इसको पकाना है। 10 मिनट हो चुके हैं, इसको एक बार हम चेक कर लेते हैं, ये बन गया होगा। ये देखिए, ये फूल तो अच्छे से गया है। इसको एक बार चेक करना जरूरी है, कहीं अंदर से कच्चा ना हो। तो एक नाइफ से या टूथपिक से आप किसी से भी चेक कर लीजिए। देखिए, एकदम क्लीन निकला है, मतलब ये पक गया है। अब हम गैस को कर देंगे बंद। ये हमारा बनकर तैयार हो गया है, 10 मिनट हो गए, ठंडा भी हो गया है। अब इसको हम तिड़का लगाएंगे अपना। इसके लिए मैंने लिया है थोड़ी सी राई, 1 चम्मच शक्कर, हरी मिर्ची कटी हुई और कड़ी पत्ता। ये मैंने ड्राई लिया है, आप फ्रेश कड़ी लीव्स भी ले सकते हैं। चलिए, अब अपन ऑयल गर्म करते हैं एक पैन में। ये तड़का लगाने के लिए मैंने तेल गर्म कर लिया है। तेल गर्म हो गया है, इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा राई अपना। ये देखिए, तेल अच्छे से गर्म हो गया है। अब इसमें डालेंगे कड़ी लीव, फिर हम इसमें डालेंगे कटी हुई हरी मिर्ची चॉप। ये हरी मिर्च हमारी अच्छे से सिक गई है। इसको ज्यादा नहीं सिकना होता, थोड़ा सा ही इसको तलना होता है। इसको थोड़ा सा 2 मिनट ठंडा होने देंगे। उसके बाद इसमें मिलाएंगे थोड़ा सा पानी, ज्यादा नहीं मिलाना है, थोड़ा सा ही इसमें हम मिलाएंगे। और 1 चम्मच हम मिलाएंगे शक्कर। पानी गर्म है, हरी मिर्ची भी थोड़ी गर्म ही है, तो शक्कर 2 मिनट में मेल्ट हो जाती है। थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे। जब तक ये मेल्ट होती है, तब तक हम खमन को कट कर लेते हैं। खमन को कट करने के बाद ही हम ये मिक्स डालेंगे इसके ऊपर।
ठंडा होने के बाद ये बहुत आराम से कटता है, गरम गरम काटेंगे तो ये टूटता है। शुगर भी मेल्ट हो गई है, शुगर को हम इसके ऊपर सिरप के साथ ही ऐसे स्प्रेड करेंगे थोड़ा थोड़ा। चारों तरफ से हम इसमें शुगर सिरप डाल देंगे। ये देखिए ये बनकर रेडी है। अब इसके हम पीसेस निकाल लेते हैं। ये देखिए कितने अच्छे पीसेस बने हैं इसके, एकदम स्पंजी, सॉफ्ट भी ये बहुत है। ये देखिए एकदम सॉफ्ट है ये, बहुत ही अच्छे बने हैं ये। कलर भी आप देख रहे हैं बहुत ही अच्छा है। इस तरह से हम अपने सारे पीसेस निकाल लेंगे। ये बहुत इजीली कट होंगे, नीचे चिपकेंगे भी नहीं बिल्कुल भी। ये देखिए ये बनकर एकदम हमारे तैयार हो गए हैं, बहुत ही सॉफ्ट बने हैं और स्पंजी बने हैं। ये देखिए और पीसेस भी इसके बहुत ही एकदम क्लीन निकले हैं। आप ये रेसिपी जरूर ट्राई करिए। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर पास वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल क्लिक करें। थैंक यू।